हाल ही में क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई, जिसमें दावा किया गया कि यूपी और बिहार जैसे भारतीय राज्यों को 2050 तक टिक पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इस रिपोर्ट ने यह दावा क्लाइमेट चेंज को लेकर किया, क्योंकि जिस तरह से ये राज्य पर्यावरण के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं, आगे चलकर इनके लिए खुद को संभाल पाना बहुत ही मुश्किल होगा। क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव एक ग्रुप ऑफ कंपनीज का हिस्सा है जिसने यह निष्कर्ष कुछ कैलकुलेशंस करके निकाले हैं। इस रिपोर्ट ने कुल 9 भारतीय राज्यों को इस सूची में रखा है, जिसमें बिहार, यूपी, महाराष्ट्र और पंजाब को विश्व के 50 सबसे संकटग्रस्त क्षेत्रों में रखा गया है। अगर पूरे विश्व का परिदृश्य देखें तो एशिया महाद्वीप को सबसे ज्यादा सेंसिटिव जोन में रखा गया है। एशिया में भी मुख्य फोकस चीन और भारत पर है। इस ग्रुप ने पूरे विश्व में 200 ऐसे क्षेत्रों की सूची निकाली है जो जलवायु परिवर्तन के कारण 2050 तक बहुत ज्यादा खतरे में आ जाएंगे, और इन 200 में से 114 अकेले एशिया से हैं। इस लिस्ट में कुछ ऐसे क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया है जिनमें खतरा तो बहुत है लेकिन वहां मानव आबादी बहुत कम है, इसलिए ऐसे क्षेत्रों को इस सूची से हटा दिया गया है। इस आकलन के मुताबिक जिन 50 शीर्ष राज्यों को सबसे ज्यादा खतरा है, उनमें से 80% चीन, भारत और यूएसए से हैं। शीर्ष 50 की सूची में चीन के बाद भारत का नाम ही आता है। इस सूची में विश्व के तमाम प्रांतों में बिहार को 22वें, उत्तर प्रदेश को 25वें, असम को 28वें, राजस्थान को 32वें और तमिलनाडु को 36वें स्थान पर रखा गया है। इस सूची में पंजाब को 50वें स्थान पर रखा गया है। इस सूची में खतरे के मामले में असम ने सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई है। पड़ोसी देश पाकिस्तान को भी सिंध प्रांत और पंजाब प्रांतों को इस सूची में रखा गया है। हाल ही में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आई भीषण बाढ़ से अभी तक उबर नहीं पाया है। ये अपनी तरफ की पहली रिपोर्ट है जिसमें देशों को नहीं बल्कि उनके राज्यों को क्लाइमेट रिस्क के अनुसार रैंकिंग दी गई है। चीन के यांगजे और पर्ल नदी से जुड़े प्रांतों को इस सूची में शीर्ष पर रखा गया है। इसके साथ ही यूएसए के कैलिफोर्निया, टेक्सस और फ्लोरिडा जैसे राज्यों को भी बहुत ही संवेदनशील बताया गया है। यूरोप में लंदन, मिलान, म्यूनिक और वेनिस जैसे शहरों को भी 2050 तक बहुत ही संवेदनशील बताया गया है। भारत में यूपी, बिहार और आसाम जैसे राज्यों में जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या वृद्धि इस आफत को और बढ़ा सकते हैं, ऐसा इस रिपोर्ट में दावा किया गया है। वैसे तो जलवायु परिवर्तन ने पूरे विश्व की नींद उड़ा रखी है, परंतु इस तरह की रिपोर्ट इस खतरे को और भी गंभीर बना देती है, इसलिए क्लाइमेट चेंज के मामले को पूरे विश्व को बहुत ही गंभीरता से लेना पड़ेगा। हमारे आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक पर एक नए एपिसोड के साथ।